भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं जाननी, खबर SNS टीवी में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की कुछ बड़ी खबरें। मोहाड़ी चौक में खुलेआम सट्टेबाजी चालू और थोड़ी दूर पुलिस स्टेशन, पीआई पुलरवार के नाक के नीचे में खुलेआम चल रही सट्टेबाजी। देश भर में पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने वाली अमोरा नदी के केबल स्टंट ब्रिज पर दोपहिया वाहनों के जानलेवा स्टंट और गुंडागर्दी का दर्द पर्यटकों को झेलना पड़ता है। भंडारा जिले में राज्य सरकार के 5 मार्च 2024 के सरकारी निर्णय के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए नए मान्यता मानदंड लागू किए गए हैं। ये मानदंड शैक्षणिक वर्ष 2024 से 2025 तक लागू होंगे। इसके लिए अधिकतर स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटने की आशंका है। देखा जा रहा है कि इस फैसले से शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई है। शिक्षक सेट रखरखाव के लिए गांव-गांव भटकते नजर आ रहे हैं। भंडारा जिला के लाखनी तालुका के पोहरा समूह ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव मेंढागढ़ पिंडरी में कुछ महीने पहले हर घर नल योजना के तहत नल लगाए गए थे, लेकिन ठेकेदार की उदासीनता की नीति के कारण दोनों गांव में गर्मी में भी प्यासे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, ग्रामीण इलाकों में दैनिक जरूरतों के लिए पानी मिलना मुश्किल हो गया है। गाँव में घर पर नल लगे हैं, लेकिन वह सिर्फ दिखावे की बात साबित हो रही है। लोगों के प्यासे रहने की तस्वीर लाखनी तालुका के मेंढागढ़ पिंडरी में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के नागपुर के पूर्वी विदर्भ के 6 जिलों में गए कुछ दिनों में तापमान काफी बढ़ गया है। भीषण गर्मी के कारण सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या प्रतिदिन 7,500 तक पहुंच गई है। वर्धा और नागपुर सबसे ज्यादा केस वाले जिलों में से आता है। प्रतिदिन करीब 4,000 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। नागपुर में पुलिस जांच में पता चला है कि कुणाल उर्फ बैटरी सुनील कानेरे नाम के गुंडे की वानाडोंगरी इलाके में उसके दोस्तों ने शराब पीने के विवाद के चलते हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र पुलिस बल में 17,471 पदों पर भर्ती, इस भर्ती के लिए 17,76,000 युवक युवतियों ने आवेदन किया है। इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, बीटेक और एमबीए डिग्री धारक भी शामिल है। उच्च शिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 41% से अधिक है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से यह जानकारी इस ब्यूरो से सामने आई है। उच्च शिक्षित लोगों की संख्या से ज्यादा बढ़ी है। बढ़ती बेरोजगारी, उच्च शिक्षित लोगों का बढ़ता प्रतिशत और सरकारी नौकरियों के आकर्षण के कारण यह प्रतिशत बढ़ा है। भंडारा जिला के किसानों ने काम के घंटे बदल दिए। गर्मी बढ़ने के साथ साथ शरीर भी गर्म होने लगा है। दोपहर में बाहर निकलने का मुश्किल हो रहा है। गर्मी का असर सेहत पर पड़ रहा है, तो किसानों ने खेत में काम करने का समय ही बदल दिया। सुबह 10 बजे तक और शाम 4 बजे के बाद में खेत में काम करना पड़ रहा है। इस साल गर्मी का असर ग्रामीण जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के सांगली में सेना के एक हेलीकॉप्टर की शनिवार सुबह सांगली से 25 किमी दूर एरंडोली मिरज तहसील में आपातकालीन लैंडिंग हुई। बताया गया कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण लैंडिंग खराई गई। अचानक आई खराबी के कारण हेलीकॉप्टर एक खेत में सुरक्षित उतरा। अहमदपुर से बुलढाणा आ रहे मेहकर में तेज रफ्तार निजी बस और एसटी बस की जोरदार धड़क में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घटना 4 मई को नाथरधांडे दोहरा के पास घटी।